हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स या कमिंग 1 to 2 डेज के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। सो यहाँ पर आपके सामने 2 कार्ड्स अवेलेबल हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। सो आप अकॉर्डिंगली अपने मन के हिसाब से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कार्ड के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल कर दूंगी, वहाँ से आप अपने कार्ड के अकॉर्डिंग क्लिक कर कर रीडिंग सुन सकते हैं। आप चाहें तो एक या दोनों कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप इसे जब भी देख रहे हैं ये आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो कोई भी इसमें टाइम या डेट नहीं है, जब आप इसे देखें उस दिन से नेक्स्ट 24 आवर्स या कमिंग 1 to 2 डेज की रीडिंग वैलिड रहेंगी, ये आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं, सो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टू ऑर्डर और टू इंक्वायर अबाउट क्रिस्टल्स के लिए डिफरेंट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। रेस्ट चलिए अगाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपने अपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए होंगे। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, आराम से जो भी कार्ड्स आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करें और आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। सो यस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 3 of Wands के कार्ड है आपके लिए, जो बताता है कि आप अपने लाइफ में आपके ड्रीम्स, आपसे आपके गोल्स, आपके पैशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आपके करियर में, काम में, जॉब में। चाहे आप शायद ट्रैवल करके अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप सिटी चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, मे बी आप कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। सो जो भी आपके विजन्स हैं, आपके प्लान्स हैं, यस, अब आप एक न्यू तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर कर आगे बढ़ने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। एंड मैं कहूँगी वो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम ही सही ट्रैक पर चल रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी। आगे अगर मैं आपके लिए कार्ड्स के तौर पे देखती हूँ, सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है जेमिनी का कार्ड है। अब ये सिर्फ जेमिनी राशि वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 से लेके उनके लिए मैसेजेस हैं। सो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, आई थिंक ये पूरी दोनों ही सेट ऑफ कार्ड जो सेट हैं, इन दोनों में बड़े सारे कोइंसिडेंसेस हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितना कनेक्ट कर पाए हो। सो कार्ड नंबर वालों के लिए, ये आपके लिए जेमिनी जो राशि होती है वो भी 3 लिखा होता है, 3 नंबर की राशि है। लाइक आप चाहे हाउसेस के अकॉर्डिंग देख लो, बट जेमिनी 3rd नंबर पे आती है। 3 of Wands का कार्ड है, ये भी 3 है, और ये जो कार्ड है यहाँ पे भी टॉप पे 3-3 लिखा है। क्या बात है, इतने सारे 3s आपके लिए आए हैं। सो यस, उसका भी सिग्निफिकेंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्या उसका मीनिंग है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स आपको। बट इट्स अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस, मतलब मैं देख के खुद हैरान हो गई थी, मतलब क्या बात है। तो मैंने कहा ज़रूर मैं आपको बताऊंगी ये चीज़। सो यस अगेन, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा पैशन, अच्छा इंटरेस्ट, अच्छी चीज़ें आपके लिए मुझे दिख रही हैं, ड्रीम्स हैं। और ये जेमिनी का कार्ड भी अगेन बड़ा ही शार्प कार्ड होता है, मैं कहूँगी स्मार्ट होता है। तो पहली चीज़ तो आपकी कम्युनिकेशन खुद में ही बड़ी अच्छी रहेगी कमिंग 2 to 3 डेज के लिए, 1 या 2 डेज, जस्ट करंट रीसेंट एनर्जीज के लिए मैसेज है। तो अगर आप कोई चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बड़े आराम से आप बात कर सकते हो, किसी से आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई स्टेप आगे लेना चाहते हो, इट इज़ अ येस 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 कार्ड्स। कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट करनी है लाइफ में, आगे बढ़ना है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो लें कि ना लें, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं उस पर काम करें ना करें, कुछ अप्लाई करना है वो करें ना करें, सब चीज़ों के लिए यस कार्ड है। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं तो क्या बात होने के चांसेस हैं, तो जी हाँ, बात होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी बड़ी ही अच्छी दिख रही है कि कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। एक और चीज़ मैं कहूँगी रीसेंट एनर्जीज़ में, नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ के लिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों से मिले, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा लगेगा।
अब जैसा समय चल रहा है वीडियो कॉल पे ही बातचीत हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे आपको सही लगे, लेकिन फ्रेंड से लाइट एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करें। मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा चिंता बिल्कुल भी ना करें कमिंग 1 या 2 डेज़ के लिए। बिकॉज जितना हो सके आप जितना अपने आप को डी स्ट्रेस करोगे उतने अच्छे आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। कुछ आपके मन में कोई बात है, आप कुछ नया एजुकेशन करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई न्यू कोर्सेस कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपका एजुकेशन बड़े अच्छे टाइम जाएगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। एंड जो 3-3 का भी सिग्निफिकेंस है वो भी उसी की तरह सेम ही है जैसे जेमिनीज की, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज होती है। वैसे स्पेसिफिकली 3 नंबर खुद में बृहस्पति का नंबर है जुपिटर का, बट अगेन जो एक जब इतने सारे 3s कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं मैसेजेस डिफरेंट हो जाते हैं एंजल नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से, 333 के हिसाब से, देन टैरो के 3 के हिसाब से, देन सो मच ऑफ 3 इंटरप्रिटेशन। बट ऑल ओवर मैं इसलिए आपको सिंगल सिंगल में नहीं बता रही हूँ, मैं एक आपको ऑल ओवर ही कंबाइन करके एक्सप्लेन करूँ ताकि आप ईजीली समझ जाएँ। तो कम्युनिकेशन करना, कुछ अपने आइडियाज़ पे काम करना, सबके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम, आपके लिए गुड लक दिख रहा है एंड एक रूटीन भी काफ़ी अच्छी हुई। इन शॉर्ट बड़े अच्छे कार्ड्स मेरे को लगे आपके लिए, कार्ड नंबर 1। सो आप जो भी आपके मन में बात है बेफिक्र होकर आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी कर पाओगे या अच्छे से एक्सप्लेन ध्यान से कीजिएगा। इट्स आप इसे आई होप समझ एंड कनेक्ट कर पा रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, छोटा मोटा ट्रैवल भी देखा जा रहा है आपके लिए, ट्रैवल होने के भी योग एंड चांसेस दिखते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना भी सजेस्टेड है, या आप जनरली दिल में कोई बात हो भैया उसको डिस्कस करें, शेयर करें, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। दिल हल्का करें, बात करके दिल हल्का हो जाता है, वो करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ ये जो एक कार्ड है ये मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये है कि अगर कुछ जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 से लेके कुछ अगर ऐसे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं लाइफ में ना अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ मुझे पहुँचना था, पास्ट में मेरे साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, या मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब पास्ट को लेके बड़ा ओवर ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो हो गया सो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आज आप जहाँ पर हैं, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, वो सिर्फ आपकी प्लानिंग, आपकी एक्शंस और आपकी मेहनत ही आपको लेके जा सकती है। सो ये एज अ गाइडेंस तौर पे कि आप आज जहाँ हैं उसका शुक्रगुजार भी रहें, शुक्राना भी करें, एंड आगे जहाँ पर आप जाना है उसके लिए जो भी आपके ड्रीम्स एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड है वो भी आप करें। सो पॉजिटिव रहें, जो हो गया सो हो गया, उसको आप नहीं बदल पाएंगे, जितना हो सके आज में रहें एंड जो आपके हाथ में आपका फ्यूचर है उसके ऊपर काम करें, तो आपका माइंड सेट भी काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छा रहेगा एंड आप ज़्यादा चिंता भी नहीं करेंगे। अभी चाहे आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, कोई भी जिंदगी के एंगल में हो, लेकिन ये चीज़ आपको सजेस्टेड है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। आई नो जेमिनीज की एनर्जीज आई हैं तो थोड़ा सा दिमाग तेज चल सकता है, बड़ा ज़्यादा फास्ट चलेगा, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बड़ी डिटेल में सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, बट वो एनर्जी को आप फ्यूचर में या एक ऑप्टिमिस्टिक या एक पॉजिटिव वे में लगाएं तो अच्छा है। बड़ा ज़्यादा पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट चलो ठीक है, उस फास्ट एनर्जी को, उस क्विक एनर्जी को हम आज में फ्यूचर में लगाएं तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा, बड़ा ही अच्छा माना जाएगा। ये चीज़ें देख रही हैं। थोड़ा सा और अगर हम एंगल देख लेते हैं, कोई जॉब मिलने के चांसेस अगर आप देख रहे हो तो क्या है, बिजनेस में क्या है, और चीज़ें सबके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल के भी योग हैं, बिजनेस काम को लेकर अच्छी पॉसिबिलिटी बनी हुई दिख रही है, तो आप अच्छे से काम करेंगे या अच्छे से काम की रूटीन बीत जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आप वेट करो तो येस, कमिंग 1-2 डेज में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं या नेक्स्ट 24 आवर्स में अच्छे पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ में भी मैं कहूँगी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कम्युनिकेशन करना सजेस्टेड है, ये टाइम पीरियड में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अब मुझे बड़े लोग कहेंगे मैम हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, सामने वाले ने ब्लॉक किया हुआ है तो क्या वो कॉल बैक करेंगे, वो होना मुश्किल है, वो मैं श्योरली नहीं कह सकती हूँ ऑनेस्टली। लेकिन अगर आप दोनों बात कर रहे हो या अभी तक कोई अनबनती और बात करें कि ना करें तो ये समय अच्छा है, कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही लव लाइफ रिलेशनशिप में तो क्या कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है, नहीं कोई प्रॉब्लम्स होने के चांसेस नहीं है, नॉर्मल रहेगा। आप शायद अपने पार्टनर स्पाउस के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो बड़ा ज़्यादा तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, जितना हो सके शांत रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बिकॉज कार्ड्स आपकी वैसे भी प्रिडिक्शन पार्ट वही बता रहे हैं क्या लमसम एनर्जीज आपकी अच्छी एंड सूदिंग। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, सेल्फ लर्निंग भी है ये टाइम पीरियड में। जैसे आपके कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में बड़ा
तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए ऑफकोर्स जब उसको पता है उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना भी पड़ेगा, नया नया समझना भी पड़ेगा, तो अपने ऊपर काम बड़ा करता है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी एजुकेशन बढ़ाने का सोच रहे हो किसी भी वे में, तो ज़रूर उसके ऊपर गौर कीजिएगा, उस पर एक्शन लेके करिए। बड़ा ही आपके लिए सक्सेसफुल माना जा रहा है, ऐसा कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है रीडिंग उनके लिए है। वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में, कमिंग 1 to 2 डेज़ में उसमें क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है, बड़े अच्छे चांसेस हैं। साथ ही साथ यू नो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये कोई कमिंग टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई भी नहीं दिख रही हैं, अगर हो भी जाए तो ठीक हो जाएंगी, माइनर इश्यूज हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन फेस कर सकते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है डिसीजन लेने में, या ये अभी सबके लिए नहीं होगा कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, बट जिनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर वो तनाव बना रह सकता है उनकी लाइफ में, वो मैं इतनी जल्दी उसकी रिकवरी कमिंग 2 to 3 डेज़ या नेक्स्ट 24 आवर्स में उसमें यू नो उस रिलेशनशिप में उसमें क्लैरिटी या इम्प्रूवमेंट आ जाए वो मैं इतना जल्दी नहीं कह सकती हूँ, उसको टाइम लगेगा या उसमें चर्चे हो सकते हैं, उसमें डिसीजन लिया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं आपका मेन थीम एंड फोकस कार्ड नंबर 2 वालों के लिए थोड़ा सा लव लाइफ ज़्यादा है, या तो वो शादी करना चाहते हैं उसके लिए पार्टनर देख रहे हैं, या तो रिलेशनशिप में हैं और उनका ज़्यादा फोकस अपनी लव लाइफ के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ की एनर्जीज भी ज़्यादा हाईलाइटेड है। आगे के कार्ड्स भी देखेंगे बट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी शायद से लव लाइफ को थोड़ी सी ज़्यादा हुई पड़ी, या तो कहीं से पेरेंट्स का प्रेशर है, या यू नो अपने आप ही ध्यान ज़्यादा वहाँ पर है, एनर्जी ज़्यादा लव लाइफ वाली एक्टिवेटेड दिख रही है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं आपके मैसेजेस के लिए, तो यहाँ पे तो वर्गो का कार्ड है। वर्गो आए इसका मतलब इन्हीं से वर्गो राशि वाले इसे देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जितनों ने भी कार्ड नंबर 2 से लेके वर्गोस की साइमल्टेनियस एनर्जीज बता रहा है, काम में भी आपका काफ़ी अच्छे, आप ड्यूटी अपनी निभाएंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, बहुत आप हार्ड वर्किंग पर्सन भी हैं ऑल ओवर, बट आप काफ़ी अच्छी मेहनत भी करोगे, अपनी ड्यूटी भी अच्छे से निभाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पॉजिटिविटी दिखती है। मैं कहूँगी ये वाला जैसे हम कहते हैं ना कि आपका जो समय होगा वो बड़ा ही हेक्टिक हो सकता है, रूटीन बड़ी हेक्टिक होगी और आप बड़े अपनी रूटीन में चलेंगे, मतलब हम कहते हैं ना भाई हम सुबह उठते हैं, फिर भले अब आजकल तो चलो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या जॉब पे जाते हैं, जो भी बड़े हेक्टिक वे से बीतेगा पता चलेगा नहीं, जो टाइम मिलेगा बड़े अच्छे से फैमिली के साथ बिता लोगे वो चीज़ है, बट या वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही बिजी स्केड्यूल्स इस तरीके का दिखता है। अब आप मेरे को पूछो कि कोई जॉब मिलने के चांसेस हैं या काम में गए, तो यस वर्गो के जो एनर्जीज हैं जो कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी, स्पेशली मोर देन बिजनेस, लेकिन जो जॉब के लिए अगर देख रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे योग और चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 से लेके आए। इन शॉर्ट मैं कहूँगी रूटीन में काम चलेंगे, रूटीन में पढ़ाई होगी, जो भी आप कर रहे हो वो रूटीन बहुत ही डेडिकेशन से अच्छे से आप फॉलो करोगे ये दिखता है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है थॉर्न्स का कार्ड है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये भी अगेन बड़ा ही सक्सेसफुल कार्ड है कि आपकी नो कहते हैं ना कि नो आप एक सेलिब्रेशन होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक गेट टुगेदर होता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी के साथ मिलना जुलना हो सकता है, किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है, किसी की आपके फैमिली मेम्बर की शादी फिक्स हो सकती है, या आपकी शादी की बात चल रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें इवेंट्स भी होने के काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट चलिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स सभी की लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट येस ऑल ओवर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हार्मनी वाली लग रही है, हेल्पफुल वाली लग रही है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हैं, कई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके काम करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 24 आवर्स या 1 to 2 डेज़ के लिए। कहते हैं ना कि बड़े ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए अच्छा है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 से लिखा है विल बी द बेस्ट थिंग नेक्स्ट 24 आवर्स या जो भी सिचुएशन हो, भैया भाई ठीक है
चलो जाने दो, वो जाने दो वाला एटीट्यूड रख के तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। बट वैसे एनर्जीज आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड सूदिंग मुझे दिख रही हैं, अच्छी एनर्जीज लग रही नेक्स्ट 24 आवर्स या कमिंग 1 to 2 डेज के लिए। और अगर मैं कोई मैसेजेस आपके लिए ऐड करना चाहूँ, मैंने कहा था कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती हैं, वो सिर्फ एक थर्ड पार्टी एंगल अगर है तभी वो कन्फ्यूजन एंड वो स्ट्रेस तनाव बना हुआ दिखता है, बट एनी विच वेज आप काफ़ी बैलेंस्ड एंड अच्छी एनर्जी से गुजरते हुए दिखते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग कह सकते हैं कि मैम हम इतने पॉजिटिव हैं नहीं है, ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। तो वही वर्गोस की कार्ड जब भी आते कहते हैं कि हमारा रूटीन में समय तो बीत जाएगा, या अगर कोई किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा हो बट उस तनाव से भी आप लड़कर आगे अपनी रूटीन में अपना ध्यान लगाएंगे एंड उस रूटीन के चलते चलते आपका ये वक्त ये समय बीत जाएगा। ये एज अ सजेशन भी आप ले सकते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो जितना हो सके आप अपना ध्यान अपने काम में लगाएं, अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करें काम पे लगाएं, तो वो आपके लिए अच्छा एंड शुभ माना जाएगा। अगर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रहा है तो ये आपके लिए सजेशन ऐसे दिए जा रहे हैं, जितना हो सके एक रूटीन बनाए वो आपके लिए अच्छा एंड सक्सेसफुल है। सो येस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 2। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।